नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चौहान आपका E&I गुरु चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे RCCB के बारे में कि RCCB कैसे वर्क करती है। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों इसका बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो देख सकें। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको MCB के बारे में बताया था, तो दोस्तों इस वाले वीडियो में आपको RCCB के बारे में बताऊंगा। जैसा कि RCCB का पूरा नाम रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है, यह ELCB की तरह ही कार्य करती है, लेकिन यह ELCB से ज़्यादा सेंसिटिव होती है। दोस्तों, RCCB इलेक्ट्रिकल शॉक से हमें बचाती है। इमेज के अंदर मैंने दोनों तरह की RCCB दिखाई है, इसमें डबल पोल की RCCB और फोर पोल की RCCB मैंने आपको दिखाई है। तो दोस्तों, डबल पोल की RCCB सिंगल फेज पर काम करती है और डोमेस्टिक यूज के लिए उपयोग में आती है। दोस्तों, डबल पोल के RCCB में एक टेस्ट का बटन होता है जिससे इसे चेक किया जा सकता है। इसे चेक करके हम पता कर सकते हैं कि RCCB सही है या फाल्टी है। दोस्तों, यह टेस्ट का बटन टू पोल के RCCB और फोर पोल के RCCB दोनों के अंदर होता है। दोस्तों, फोर पोल की RCCB थ्री फेज के सप्लाई के लिए यूज होती है और इसमें भी टेस्ट बटन होता है। इस बटन की सहायता से RCCB को चेक कर सकते हैं कि यह काम करती है या नहीं। इसके लिए इसे सप्लाई के साथ कनेक्ट करना होता है। अब दोस्तों, इसकी वर्किंग को हम समझ लेते हैं। यह इसका सर्किट डायग्राम है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है इमेज में। इसका काम करने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह कॉइल के ऊपर काम करती है। इसमें एक सेंसिंग कॉइल होती है जो रिले से कनेक्ट होती है, और रिले ट्रिप मैकेनिज्म से कनेक्ट होती है दोस्तों। और दूसरी कॉइल जो होती है, इसके अंदर करंट फ्लो होता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने इमेज में दिखाया है, इसके दोनों तारों पर फेज और न्यूट्रल पर जब बराबर करंट रहता है, जैसा कि देख सकते हैं आप, फेज में भी 10 एम्पियर है और न्यूट्रल में भी 10 एम्पियर है। यदि इन दोनों पर सेम करंट फ्लो होता है तो इस कंडीशन में RCCB का ट्रिप मैकेनिज्म ऑपरेट नहीं होता है। और दोस्तों, जैसे ही इन दोनों करंट में अंतर आता है, जैसा कि अंतर आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे उपकरण में फॉल्ट आना या उसकी इंसुलेशन खराब हो जाए तो वह अर्थिंग के साथ जुड़ जाए, या फिर उपकरण की बॉडी में करंट आने लगे और कोई व्यक्ति इसे टच कर ले तो उस व्यक्ति के थ्रू करंट अर्थ में फ्लो होने लग जाती है। उस कंडीशन में फेज और न्यूट्रल में करंट अनबैलेंस हो जाएगा और उस कंडीशन में मैग्नेटिक कॉइल में करंट फ्लो होने लगेगी दोस्तों, जिससे रिले ऑपरेट हो जाएगी और सर्किट को ट्रिप कर देगी। दोस्तों, अब मैं इसके टेस्ट बटन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ही टेस्ट बटन को प्रेस करता हूँ मैं दोस्तों, तो करंट रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होने लगती है, जैसा कि मैंने इमेज में बताया है, और RCCB ट्रिप हो जाती है। दोस्तों, RCCB के प्रकार कुछ इस तरीके से होते हैं। दोस्तों, अब मैं RCCB के प्रकार को समझा देता हूँ। जैसा कि RCCB तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है AC, सेकंड होती है A और थर्ड होती है B। दोस्तों, जो AC वाली RCCB है वो AC सप्लाई पर वर्क करती है। दोस्तों, जो A टाइप की RCCB है वो AC सप्लाई के लिए काम में ली जाती है और इन्वर्टर सर्किट में भी उसको यूज किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, जो B टाइप की RCCB है वो AC सप्लाई के लिए और DC सप्लाई के लिए दोनों में यूज की जा सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने सीखा कि RCCB कैसे वर्क करती है, RCCB के प्रकार क्या क्या है और RCCB की वर्किंग प्रणाली क्या है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें दोस्तों, और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।